सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन धीर सिंह कसाना एवं सीनियर एडवोकेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। इसके अंदर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और 5 अदर जस्टिस के साथ फुल बेंच मीटिंग हुई, जिसमें चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस ने आश्वासन दिया कि 24 अगस्त से 50% कोर्ट फिजिकली कर दी जाएगी, जिसमें बेल स्टे अर्जेंट मैटर की सुनवाई हो सकेगी। इससे पहले भी एक मीटिंग कोर्ट को खोलने के लिए लेकर रखी गई थी, जिसके अंदर आश्वासन दिया गया था कि 16 अगस्त तक कोर्ट खोल दिए जाएंगे, मगर इसे ट्रायल बेसिस पर खोला जाना था। मगर 16 अगस्त से पहले 12 तारीख को सर्कुलर आया कि कोर्ट अब 24 तारीख से खुलेंगे, वह भी एक सप्ते के लिए खोले जाएंगे, जिसके बाद वकील और कमेटी में रोष देखा गया, जिस पर कॉर्डन कमेटी और वकीलों ने सवाल उठाया कि पूरी दिल्ली अब लॉकडाउन के बाद खुल चुकी है, मगर क्यों नहीं खुल रहे, जिसमें वकीलों ने और कॉर्डन कमेटी ने मांग रखी कि 24 अगस्त से कोर्ट खोलें, एक दिन छोड़कर एक दिन ही सही खोले जाएं, जिसमें फिजिकली कोई सुनवाई हो सके। और कहीं ना कहीं कॉर्डन कमेटी और वकीलों को आश्वासन है कि 24 तारीख से फिजिकली कोर्ट खुलेंगे, इसमें बेल स्टे और अर्जेंट मैटर पर सुनवाई होगी, चाहे वे फिजिकली 50% ही हो, लेकिन अब कोर्ट खोल दिए जाने चाहिए। अब दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के केस घट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट नहीं खुले, यहां तक कि 70-75% वकीलों ने वैक्सीन भी ले ली है, और अब पूरी गाइडलाइंस के तहत कोर्ट खोल दिए जाएं, जिससे कि आगे की फिजिकली कार्रवाई वकील कर सकें। यह मांग कोर्ट और सभी कॉर्डन कमेटी की है, जिसके चलते 24 तारीख को उन्होंने कोर्ट खोलने की मांग की है। धीर सिंह जी, अभी हाल में जो एक मीटिंग हुई है आपके कोर्ट के अंदर, साकेत कोर्ट में, तो वो उस मीटिंग में क्या निर्णय रहे और क्या बताया गया, थोड़ा निर्णय बताएं। देखिए, ऐसा था कि आज से कुछ दिन पहले एक मीटिंग हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट से हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 16 तारीख को हम आपकी कोर्ट खोल देंगे, पार्टली खोलेंगे और इसको ट्रायल बेसिस पर खोलेंगे। लेकिन जैसे 16 तारीख नज़दीक आई, एक 12 तारीख को या 11 तारीख को एक सर्कुलर हाईकोर्ट से आ गया कि 28 अगस्त के बाद कोर्ट खुलेगी और हफ्ते में एक दिन खुलेगी। वकीलों में बहुत रोष था, कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत रोष था, पूरी दिल्ली खुल चुकी है सिवाय कोर्ट के, और कोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने, जब हमने चीफ साहब से टाइम मांगा तो कल का टाइम था हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में चीफ साहब और उनके जो सीनियर जुडिशल ऑफिसर्स थे, जिनमें सुरेश कैश जी भी थे, जिनमें हमारे सिकदर साहब थे एंड अदर जजेज, उन लोगों से बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग हुई है पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उन्होंने हमें, हमारी डिमांड थी कि बेल मैटर, स्टे मैटर एंड अर्जेंट मैटर वो टोटल ही हमारे फिजिकल होने चाहिए, और अल्टर डेज पे हमारी कोर्ट्स एक दिन खुलेगी, और हमारे कुछ साथी हैं जो चलान के सहारे ही हमारा काम करते हैं, तो हमारे हर कोर्ट के अंदर जहाँ भी चलान हैं, ट्रैफिक चलान्स, वहाँ पर 20-25-30 चलान्स, जहाँ पर भी क्लाइंट आ जाए और वकील का वकालतनामा लगाओ, वो चलान हमारे होने चाहिए, तो उस पर सहमति बन गई है। और 24 तारीख से हमें पूरा विश्वास है कि माननीय हाईकोर्ट हमारा साथ देगी और इसको खोलेगी। जिस तरीके से धीर सिंह जी, एक पहले सर्कुलर 31 तारीख को कोर्ट खोलने का हुआ था, और उसको लेके क्या है, अब क्या निर्णय हुआ? मैं कह रहा हूँ उसी का वो था कि पहले हमें 16 अगस्त बोला गया था, जो कि कल थी, और उससे पहले ये 12 को जो आ गया था, तो हमने 13 को चीफ साहब को टाइम मांगा, तो उन्होंने 16 तारीख का हमें टाइम दे दिया था कल शाम का, और उसमें ये तय करा गया 24 अगस्त से 50% कोर्ट खुलेंगी। जिस तरीके से माना जाए कि फैमिली कोर्ट के अंदर कई ऐसे लोग हैं, 80% लोग हैं जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि कोर्ट कब खुलेगी, इंतजार कर रहे हैं, और उनके जो अपने पारिवारिक विवाद हैं वो बीच में लटके हुए हैं, और कोविड टाइम में लगभग सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे, फैमिली कोर्ट को लेके क्या डिसीजन? दिक्कत क्या है कि फैमिली कोर्ट के साथ साथ और कोर्टों में भी दिक्कत है, कुछ जगह जहाँ एविडेंस नहीं होती, जज कहते हैं एविडेंस कराइए तब मैं बेल पर सुनूंगा, जैसे इसमें जो ना पॉक्सो की कोर्ट है और बहुत सी कोर्ट है, और इसी में जैसे आपने भी बताया कि कोविड के केस हम पिछले एक महीने से नोटिस कर रहे हैं, कोविड के केस 50 से नीचे हैं दिल्ली के अंदर, इतनी बड़ी दिल्ली जहाँ 2.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर 50 से नीचे हैं, और मेरे और हमने जो सारे एडवोकेट्स कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मिले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी,
कि वहां पर हमें पता चला है कि सारे एडवोकेट्स ने, लगभग एडवोकेट्स ने और जुडिशियल ऑफिसर ने तो 100%, क्योंकि फ्रंट वॉरियर्स में इनका नंबर आ गया था, लेकिन एडवोकेट्स ने भी आज 70-75% एडवोकेट्स ने भी अपना जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो फैमिली कोर्ट जो है वो भी खुलने जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।